इसकी आई नो इसकी ऑडियंस कम्प्लीटली अलग है, तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उन लोग को बता दो भाई मैं ट्रैवल व्लॉग्स और ऐसे प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह करता हूँ, ये यूजुअली बस ऐसे डेली डे टू डे वाला व्लॉग मैंने बनाया हुआ है। ये बताओ ये किस किस को पता है कॉमेंट करके बताओ, ये क्या चीज है बताओ, ऐसे ही डाल दू। ये बिंगो पपीता, हमारा बिंगो पपीता खाता है खूब। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट लिविंग इन प्लेसेस लाइक दिस, ककड़ी। ककड़ी कैसे दे रहे हैं? अगला ब्लॉग में आपको बताता हूँ कि हमारा नया सरकारी घर कैसा रहता है। Okay, so hello everyone, my name is Akshat and you're watching Happy Life. पीछे ट्रक लगा हुआ है और ये ब्लॉग पता नहीं इससे पहले लास्ट टाइम लॉकडाउन के टाइम बनाया था सर मैंने ब्लॉग, जब 2020 में हम वेस्ट बंगाल से इस घर में आए थे, या जो पीछे घर देख रहे हो, और अब इस घर से हम लोग छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। सो उस टाइम पे आए थे वेस्ट बंगाल से मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश से जा रहे हैं छत्तीसगढ़। सो यार शिफ्टिंग दिखाता हूँ आपको कैसे होती है। गवर्नमेंट जॉब, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, जनरल मैनेजर हैं कोल इंडिया में। तो अब कैसे होती है शिफ्टिंग, कैसा क्या होता है सारा चीज़ आपको एक दिखाता हूँ, और कैसे इतना बड़ा घर पूरा शिफ्ट करना पड़ता है। आई शो यू एवरीथिंग। और ये आपको एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ, ये मेरे घर के आसपास का एरिया आप देख सकते हो, इतना सही था ना। आई मिस दिस प्लेस पर, आई मिस दिस प्लेस, क्योंकि बरसात वगैरह के टाइम इतना सही लगता था यहाँ पे। और ये मेरा घर है, आपको दिखाता हूँ। पैकिंग चालू है, 2 दिन का ये सिंगल वीडियो होने वाला है, सो आई होप यू गाइज विल इन्जॉय दिस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये ऐसी होती है शिफ्टिंग, पूरा खाली। हम अपने सारा सामान निकालते जा रहा हूँ, जो भी काम के सामान नहीं है। अब ये एक रूम है, ये तो पूरा घर होना है। ये वाला रूम भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, और ये हमारा बिंको सो रहा है नहा धो के बढ़िया। सब पूरा घर एकदम फैल गया है, अभी धीरे धीरे करके करिए। फ्रिज सबसे लास्ट में होगा ऑब्वियसली, देन डाइनिंग टेबल वगैरह, और यहाँ का पूरा हॉल हमारा, टीवी वगैरह यहाँ पे सब निकल गई है। उस रूम की टीवी अभी निकलनी बाकी है, ये सब पैकर्स आके करेंगे। सो ऐसे होती है भाई शिफ्टिंग। अब ये वाली टीवी और निकल जाएगी कल पैकर्स। ये मैं खुद से अपना हम लोग सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने सामान के साथ भाई वो नहीं करता, पैकर्स वगैरह अच्छे से कर देते हैं सामान पैक, लेकिन अपने हाथ से करो ना तो जो सामान काम का नहीं है वो भी निकल जाता है। चलो चाबी रख लीजिए, कभी कुछ काम आ जाए क्या पता। तो ये है मेन कमरा जिसमें बहुत कचरा निकलने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जितना भी कचरा है वो निकल जाता है धीरे धीरे करके। तो अभी बहुत सारा मैं कल पूरे कचरे निकाला, पूरा जला दिया, पता नहीं क्या क्या किस किस जमाने का सामान है। इसमें मेरे पूरे खिलौने हैं और दिखाऊंगा आपको अभी, बाकी चलो निकालते हैं। देखो भाई कौन कौन से जमाने का ये सामान मिल रहा है, मेरे पास भी है BSNL, ये सब बाप रे बाप। यही देखो, इसको भी फटा फिर के। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखो देखो, बहुत टाइम पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो मम्मी लोग बैठ के ये ऊन से सिला करती थी। देखो ऊन है, इसमें स्वेटर वगैरह सिलती है। अब तो ख़त्म हो गया पूरा, वो अमेजोन से 2 क्लिक में सामान आ जाता है। चलो अभी बहुत कचरा निकल गया, बाप रे। ये होता है, यही होता है, अच्छा है चीज़। ट्रांसफ़र की ये चीज़ बहुत अच्छी है, सामान वगैरह ही देखो, गाने वाने सब, सीढ़ियाँ वगैरह। ओ बाप रे बाप, आप देखो यहाँ पे ट्रक भी आ चुका है लोडिंग के लिए, कल सारा सामान लोड हो जाएगा। और ये देखो घर के आसपास का, देखो एरिया कितना अच्छा था यार, ये मैं बहुत मिस करूँगा इन सीरियसली। और ये है अपना घर, इसका शिफ्टिंग का भी वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखना, डाला हुआ है मेरे चैनल पे। बंगाल से इस घर में शिफ्ट हुए थे, अब इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ये बिंगो बैठा हुआ है। तो अभी पैकर्स भी आ चुके हैं, पैकिंग चालू। ये वाला मेरा कमरा, कल ऑलरेडी पूरा निकाल दिया था यहाँ से सब सामान। ये निकला है कचरा भाई साहब, इतना सारा खूब कचरा निकल गया, अच्छा हुआ। टेबल मारी पैक हो रही है यहाँ पे, घर में साउथ इंडियन आंटी रहती हैं, उन्होंने ये भेजा है, डोसा पूरा साउथ इंडियन खाना। दिस इज कर्ड राइस, वाओ नाइस, खाता हूँ इसको मैं लंच के लिए। मम्मी तो है नहीं, मम्मी गई हुई हैं सोशल वर्क करने। चलो भाई, तो यहाँ पे बिस्तर भी खुलना चालू हो गया, ये रूम भी पूरा हो गया कंप्लीट, अलमारी और टेबल रह जाएगा, दैट्स इट। टीवी लास्ट में निकाल लेंगे। तभी ये डाइनिंग टेबल पैक हो रही है,
अच्छी होगी यार चेयर, सॉरी सब। सर ये रूम बच जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बस ये फोल्डिंग बेड और गद्दा है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। अरे मेरा सामान पूरा जो लाया बाइक से, पूरे घर के एसी निकल चुके हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। और जहाँ नया घर मिला हमको ऑलरेडी 5 एसी लगे हुए हैं और 3 एसी हमारे घर से निकल गए, 1, 2 और वो तीसरा एसी। The next morning. Welcome to the day 2. यहाँ हो रही है हमारी फ्रिज पैक, ये हो रही है हमारी फ्रिज पैक, हो चुकी है। ऐसे ही डाल दूँ, ये बिंगो पपीता, हमारा बिंगो पपीता खाता है खूब, लो बिंगो खाओ बढ़िया सा। उसकी बॉल तो भाई छूटती नहीं है, कुछ भी हो जाए बॉल नहीं छोड़ता, अपने साथ ही रखते है। तो वैसे पैकिंग चालू है, एंड जब मैं यहाँ पे आया था तो इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी हमारी, अभी तो ऑलमोस्ट 72,000-71,000 की हो गई है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑल, सबका सपोर्ट से इतना ज़्यादा फैमिली हमारी बड़ी हो गई है। तो अगर बोला ब्लॉग नहीं देखा ना, जैसे वेस्ट बंगाल से यहाँ इतना दूर आए थे, मैंने लिटरली 17 घंटे अपनी कार ड्राइव करके लाया था यहाँ पे। तो अभी ये मेरा रूम था, पूरा पैक हो चुका है, इट्स ऑल डन, और अभी सारे रूम सब कुछ हो चुका है। नाइस, ऐसे हर पैकेट में यहाँ पे ऐसे लिख देते, जैसे ये इसमें बिंगो, ये जो अलमारी थी ना, इसको बिंगो की अलमारी का नाम दिया था, तो ये बिंगो की अलमारी का सामान है, इसमें सारा ऐसे करके सब लिख देते हैं। और ये भैया लोग यहाँ पे ऐसे साव, इट्स ऑल डन। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट लिविंग इन अ प्लेस इज लाइक दिस, ककड़ी कैसे दे रहे, एकदम फ्रेश, एकदम देहाती जैसे लोग आते हैं, बढ़िया मस्त देसी ककड़ियाँ। और हर वीडियो में मैंने सुना था, जब मैंने इस घर में वीडियो शूट किए, हर वीडियो मैंने सुना था आप लोगों से कि अब तो लाइक स्वर्ग में रहते हो, जन्नत में रहते हो, हम तो स्वर्ग बोलते हैं इसको। तो भाई सच्ची में यार देखो ना कितना अच्छा लोकेशन है घर का, बहुत बहुत सही था। तो अभी ये छूट जाएगा सब, ये आम के पेड़, इसका वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट 200-250 किलो आम निकले थे इसमें से और इस पेड़ में से। सो अभी सब हो गया है ख़त्म, नए घर में जाएंगे, वहाँ पे नई चीज़ें होंगी अच्छी, देखते हैं। ये देखो गाइस, ये एक सेकंड मम्मी, ये बताओ ये किस किस को पता है, कमेंट करके बताओ ये क्या चीज़ है, बताओ। बाप रे, DVDs हैं ये सब, बाप रे। अभी DVD के बाद आई CD आई थी, CD बंद हो गई, फिर आई क्या आई थी, वीडियो कैसेट। ओ बाप रे बाप, वीडियो कैसेट है, देखो नवनीत संगीता लिखा देखो सर, तुम्हारी शादी के है ये देखो, ये मेरी शादी के, हाँ नवनीत संगीता, अरे वाह यार, मम्मी सबको ना बनवा सकते हैं, इसको नहीं इसको अच्छी अच्छे से रखो, फिर मेरी शादी की है मम्मी। देखो गाइस स्कूल के दिन याद आ गए, अभी देखा करते थे, बैठा करते थे आराम से, हर ईयर ख़त्म होने के बाद कॉपियों में कवर चढ़ाया करते थे, ये सब दिन गए यार, अभी कितना सही, अभी तो पुराना सभी। और लिटरली घर से जितना कचरा निकल रहा है ना, यहाँ पे मैं सबको आग लगा देता हूँ, इतना कचरा निकल रहा है घर में, इतना कचरा निकल रहा है। और ये सारी वीडियोस ना, आई डोंट नो आप लोग देखो आप लोग को अच्छा लगे कैसा लगे, बट यू नो 10-20-30 साल बाद जब मैं अपने चैनल पर खुद ही वीडियो सभी देखूंगा कि अरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ था ये वो, बहुत अच्छा लगेगा। तो या ये सारी वीडियोस मैं ऐसे पर्सनल इंटेंशन से भी बनाता हूँ, बहुत ये अच्छा लगता है सर ये। चलो कर रहे हैं शिफ्टिंग, अभी देखते ट्रक में सामान लोडिंग चालू हो चुकी है, सो लोडिंग भी चालू हो चुकी है अभी। नाइस, सही है। तो अभी ये एक इनोवा आ गई है अपनी, कुछ सामान जो ऊपर का है वो इसमें रहेगा, बाकी का सामान जो है वो ऑब्वियसली ट्रक में जा रहा है। तो अपनी हुआ है एक येलो नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी है, अभी मिली हुई है पापा को, तो ऐसी दो इनोवा है और एक होंडा सिटी मिली हुई है इस बार, मतलब गाड़ी अच्छी मिली है। नाइस, और वो ट्रक में भी सामान लोड हो रहा है, यहाँ पे शिव नारायण भैया सुपरमैन काम करते हुए। अभी वाला ट्रक हो गया फुल और ये निकल रहा है। नाइस, उसके लिए भी काफ़ी सामान बचा हुआ है, तो उसके लिए एक और ट्रक है। ये हमारे अकरम भैया
सामने ये ट्रक भर चुका है। ये जो ये पिकअप आया ना, ये स्पेशली सिर्फ घर के गमले ले जाने के लिए आया हुआ है, तो इसमें घर के गमले जाने वाले हैं। और ये तो गवर्नमेंट गाड़ी, और एक छोटा सा और ये ट्रक लगा है जिसमें और सामान बचा कुचा जाएगा। और ये हमारे सब आसपास के नेबर्स आंटी जितनी थी सब मिलने आई थी लास्ट टाइम। ये सुचित्रा आंटी ने बढ़िया इडली ला के दिए। हाँ हाँ आंटी खाता हूँ आप, चलिए तो फोटो ले लेता हूँ पहले। चलो ये पूरा घर खाली हो चुका है और मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे झाड़ू ताकि थोड़ा घर साफ हो जाए, इसमें गंदगी हो गई, अच्छा नहीं लगता गंदा गंदा। रहना है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी साफ सफाई करके जाए थोड़ा अभी। और घर को हैंडओवर करना पड़ता है, लाइक वापस से सरकार को देना पड़ता है, और वहाँ पे तो वहाँ का घर का जो है वो लेना पड़ता है। तो वो वाला घर भी आपको बाय द वे नेक्स्ट व्लॉग बताना आपको, नए वाले घर का देखने की, उसका गार्डन बहुत अच्छा है ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं तो गया नहीं अभी तक, बट मम्मी वगैरह सब जाके आ गए हैं, तो बताना अगला व्लॉग में आपको बताता हूँ कि हमारा नया सरकारी घर कैसा रहता है। तो या चलो हमें देखते हैं कुछ लंच वगैरह करते। कहाँ जा रही मम्मी? भाई क्या हाँ, सरप्राइज देने उसको। हमारे घर में जो भाई काम करती है मम्मी, उनके यहाँ जा रही है अभी। और ये एक और अगेन सरकारी गाड़ी जो मिली हुई है पापा को, होंडा सिटी, और वो मेरी बाइक। तो चलते अभी, मैं तो जाता हूँ घर। ये मैडम के लिए दरवाज़ा खुल गया है। मैडम के लिए दरवाज़ा खुल गया है। चलिए चलो मैं तो चलता हूँ अभी, मम्मी का चलता रहेगा अपने रिलेशंस जो भी हैं दुनिया भर के, अलगो। चलो तो फाइनली शाम का टाइम हो गया था, पापा भी आ गए थे। सारी फॉर्मेलिटीज़ करके, जो भी घर को हैंडओवर सरकार को करना पड़ता है वापस, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करके पापा भी आ गए थे। अब हम लोग फाइनली ये घर ऑफिशियली छोड़ने वाले, जाने वाला इनोवा में है। बिंगो बिंगो, इनोवे में पूरा सामान भर गया है, मम्मी पापा जाएंगे इसमें। तो ये मैंने अपनी बाइक लोड कर ली है वापस से, मैं सारा अपनी बाइक में जा रहा हूँ। तो भाई आप लोग ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे को इससे पहले एकदम अलग अवतार में देखा होगा, यू नो मतलब घूमते फिरते बजट में ये वो, बट दिस इज़ माई फैमिली बैकग्राउंड जिन लोगों को नहीं पता है। तो ऐसा है सीन भाई, अभी देखो ये घर का हो गया है सारा सीन ख़त्म, यहाँ पे खाली कर दिया घर। अब जहाँ नए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ चिरमिरी एरिया, वो वहाँ पे भी कोल माइंस है, तो मेरे पास एक्चुअली कोल माइंस में ही है, तो कोल माइंस कोल इंडिया लिमिटेड मेरे पापा हैं। तो अब वहाँ पे जो भी नया घर होगा कल उसका देखता हूँ ब्लॉग डालूंगा। इसकी आई नो इसकी ऑडियंस कम्प्लीटली अलग है, तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उन लोग को बता दूँ भाई मैं ट्रैवल ब्लॉग्स और ऐसे प्रोडक्ट रिव्यूज़ वगैरह करता हूँ, ये यूजुअली बस ऐसे डेली डे टू डे वाला ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, टेलीग्राम पर फॉलो करो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर सेल्फ एंड फैमिली गाइस। जय हिंद, जय भारत। और या कल का आप देखो नया घर मिला है, और नया सरकारी घर कैसा होता है कल आपको दिखाता हूँ। बाय बाय।